तो हेलो जी, मैं अभिषेक। तो अभी ये नवरात्रि का 9वां दिन स्टार्ट होने वाला है और अभी 11:30 टाइम बजा, तो कुछ ही देर में नवरात्रि का 9वां दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ दुखी होटल लाइन होटल में। तो ये दुखी होटल का लाइन होटल है और जस्ट बात किया जाए तो अभी जस्ट टूर के लिए निकलते हैं। कुछ कुछ मेन जगह पे पंडाल हुआ, मूर्ति हुआ, वो जगह देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं भरावपर से। भरावपर का अपना घर के पास है, तो ये रहा भरावपर का। तो इसका कुछ अंदर जाके मैं लेता हूँ। तो हर साल की भांति इस साल भी भैंसासुर में काफी भव्य पंडाल बना है। मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत है। और ये ऊपर काली चंडी माँ का है, वो सारा बाल बिखेरे हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं कुछ नजदीक जाता हूँ, ज्यादा नजदीक तो नहीं जा पाऊंगा, कुछ नजदीक जाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। काफी अच्छा है आप लोग, मैं बता सकता हूँ कि बिहार शरीफ का सबसे बेस्ट जो जगह है पंडाल का, वो भैरवसुर में। अभी जस्ट पहुंचे हुए हैं बड़ी पहाड़ी। ये पंडाल है बड़ी पहाड़ी का और थोड़ा सा फोकस मेरे पर नहीं है, तो फोकस देखते हैं मेरे पे है कि नहीं। तो अब फोकस आएगा मेरे पे। तो ये रहा बड़ी पहाड़ी का जो भी पंडाल है, अंदर मूर्ति के बारे में जाके देखते हैं कैसा है। तो अच्छा ही, काफ़ी अच्छा है। तो अभी है आशा नगर में खड़े हैं, छोटा सा पंडाल है, माँ का प्रतिमा अंदर है, काफ़ी अच्छा लाइटिंग है। तो अंदर जाके थोड़ा सा देखते हैं कैसा है लाइटिंग के हिसाब से। तो काफी मुकसद के बाद मोदी नगर पहुंच चुका हूं और ये पीछे है पंडाल उनका, काफी अच्छा है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है पंडाल का लुक और प्रतिमा, माँ का प्रतिमा। तो चलिए देखते हैं। नारी गली वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो घंटी बजाते हुए। बचपन में मैं काफ़ी घंटी बजाया उसमें चढ़ चढ़ के, काफ़ी छोटा था उस समय। और अभी तो ऐसा ही पा जाता, बस देखिए ऊपर में ऐसे। तो ये रहा सुने नारी गली का दुर्गा माँ का प्रतिमा, और देखते हैं इसके नज़दीक से कुछ फुटेज।
फाइनली है अभी फूल पे, फूल पर का दुर्गा बड़ी दुर्गा माँ काफी ज्यादा फेमस है फूल पर का, तो ये रहा फूल पर का दुर्गा माँ। देखिए इसका हुए हैं सहोकर, सहोकर का काफी अच्छा पंडाल है और देख सकते हैं पंडाल काफी अच्छा और लाइटिंग तो काफी अच्छा रहता है हमेशा की तरह, हर साल की तरह लाइटिंग इनका काफी अच्छा रहता है। तो ये रहा पंडाल, तो पंडाल का कुछ लुक दिखाते हैं और अंदर जाके मैं चेक करता हूँ कैसा है। लाइटिंग काफी अच्छा है, लाइटिंग को मैं बता नहीं सकता लाइटिंग क्या है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था लाइटिंग यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा की तरह, तो लाइटिंग देख सकते हैं माँ की प्रतिमा पे काफ़ी अच्छा लाइटिंग आता है। तो मैं कुछ देर यहाँ पे रुकता हूँ और कुछ लाइटिंग का कुछ टाइम लैप्स दिखाता हूँ, तो देखते हैं। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और दुर्गा पूजा का पंडाल और दुर्गा माँ का प्रतिमा यहीं तक रहा, और आशा करता हूँ कि फुटेज सारा अच्छा ही होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद नहीं आएगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, काफ़ी मैं खुद ही अकेले सारा कुछ किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।